जनपद में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षण सहायक अभियंता इंजीनियर मनोज कुमार की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों का अच्छा प्रशिक्षण एनेक्सी भवन में दिया गया है, जिसमें चुनाव से संबंधित सभी जानकारी और सामग्री का वितरण किया गया है। मास्टर ट्रेनरों के नेतृत्व में 24 जनवरी से जुबली इंटर कॉलेज में सभी मतदान कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे मतदान कार्मिकों को ईवीएम मशीन के संचालन, मतदान प्रक्रिया के संचालन में कोई दिक्कत ना हो और 2022 का चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रेम नाथ यादव, अधिशासी अभियंता इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक बजत ब्रजेश यादव सहित मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी प्रेम नाथ यादव तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आपकी पिटीशन कभी एक्सेप्ट भी नहीं होती, इसलिए जो लोग एब्सेंटीज हैं उनको बुला लीजिए। अब मैं यही साहब से, इंजीनियर मनोज कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण प्रारंभ करें। आप लोग शांति बनाए रखे हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर सभी को अवगत है, 3 मार्च 2022 है और मतगणना का दिनांक 10 मार्च 2022। हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसके क्रम में आप सभी को आज दिनांक 20/1/2022 को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण के लिए यहां बुलाया गया है। इस सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मास्टर ट्रेनर की भूमिका विगत इलेक्शंस में बखूबी निर्वाह कर चुके हैं, इस बार का जो निर्वाचन होने जा रहा है उसमें जो निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के कुछ अद्यतन सूचनाएं हैं, जो उनके अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको भली बात अवगत होना है। और जो पीछे से सारे निर्देश चले आ रहे थे उनके बारे में एक बार रिमाइंड हम सबको करके, और निर्वाचन में जो कार्मिक लगे हैं पीठासीन अधिकारी और उनकी टोली, उनको आपको भली भांति प्रशिक्षित करना है। पिछले इलेक्शन से जो प्राप्त अनुभव थे उनमें कुछ विषम स्थितियां पीठासीन अधिकारी द्वारा क्रिएट कर दी जाती हैं, मसलन सीआरसी न कराना, मार्क पोलिंग के दौरान जो वोट पड़े हैं मशीनों में वास्तविक मतदान से पहले उनका क्लियरेंस बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे वो वीवीपैट में पड़े हुए स्लिप्स हैं मार्क पोल के दौरान उनको भी बाहर कराना जरूरी है, और जो सीयू के अंदर मार्क पोलिंग संबंधी मत रिकॉर्ड हैं उनका भी डिलीशन बहुत ही अनिवार्य है। जो किंचित कतिपय पीठासीन अधिकारियों ने विगत इलेक्शंस 2019 में नहीं करा पाए थे, जिसके वजह से काफी हम लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, तो आप पे ही सब कुछ है,
आप एक दिन 24 तारीख से जो ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जैसे आज हम आपको ट्रेन करने जा रहे हैं, वो बहु आप उसको ट्रेन करके त्रुटि रहित इलेक्शन कराने हैं। हम कुछ मूलभूत चीजों को जो आपके लिए कंसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है उसको जानना अनिवार्य है। हम लोग बल्कि उस दिन से अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं जिस दिन मान लीजिए रवानगी का आज दिन, तो उस दिन से और कल मतदान का दिन है, हमारा पूरा प्रशिक्षण सत्र पहले सामान्य ट्रेनिंग के रूप में, उसके बाद ये ईवीएम की ट्रेनिंग, इस पे आप हैंडसान करेंगे, सारी प्रक्रियाओं से आप विधिवत यहाँ निपटेंगे। ऐसा नहीं आपको रखना है दिमाग में कि नहीं मुझे सब कुछ आता है तो भी आज अपने सामने इस मशीन द्वारा अपनाए गए बिहेवियर को बिल्कुल अपडेट होकर के जाना है। और कुछ इसमें इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट भरने हैं, मॉडिफिकेशन होकर के आए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, उनके बारे में भी विधिवत जानकारी रखना है और वही पीठासीन अधिकारियों को आपको भी समझाना होगा। तो वहां अंदर जाकर कुछ तय करना होगा है उस विधानसभा के किस बूथ के लिए मेरी पोलिंग पार्टी का मतदान के लिए निर्धारण कराया गया है। तो जब उसको ये पता चल जाता है कि हमें अमुक बूथ पे जाना है, मतदान सामग्री तैयार की गई है, वो किस टेबल पर मिलेगा, यह भी सूचना उसी दिन उनको प्राप्त होती है। अपने बूथ जिनके लिए उनके पोलिंग पार्टी का निर्धारण है उसी बूथ के लिए उनके द्वारा पहले से तैयार, कुछ लोग कृपया बात कर रहे हैं, शांत हो जाए, तो उस एआरओ टेबल से सारी सामग्री उनको लेनी होती है और फिर अपने पोलिंग पार्टी के साथ कहीं वहां पर सही जगह देख करके बैठ करके उन सामग्रियों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांच करनी होती है। उसमें वे सामग्री बिल्कुल आपको जानकारी में होनी चाहिए जिनके बगैर आप वहां मतदान करा ही नहीं सकते। उसमें से सबसे पहली चीज है जो उस बूथ से रिलेटेड निर्धारित मतदाता है वहां के, उनसे संबंधित निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और दो अन्य प्रति मिलेगी। चिन्हित प्रति और अन्य प्रति में फर्क होता है, अभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा आइटम है मतदाता का रजिस्टर 17A या हिंदी में उसे 17G कहा जाता है, जिसमें हमारे बूथ पर आने वाले सभी मतदाताओं का से संबंधित रिकॉर्ड्स करने होते हैं उसके अंदर। उसके बाद अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद मतदाता पर्ची जारी की जाती है उस मतदाता को, जब रजिस्टर में एनरोल्ड हो गया स्याही लग जाती है उसके बाद उसको मतदाता पर्ची जारी की जाती है, तो वो पर्याप्त मात्रा में उसके झोली में होना ही चाहिए। और उस बूथ के लिए जो निर्धारित हमारी ईवीएम है, ईवीएम का आशय कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों के संयुक्त स्वभाव से है। ईवीएम का आशय इन तीनों यूनिट को मिला के ही ईवीएम कहा जा रहा है। तो बार बार जब भी ईवीएम आगे मैं बोलूंगा आप उसे ये तीनों का संयुक्त कंबाइंड स्वरूप समझे। तो वो निर्धारित ईवीएम उस बूथ के लिए जो यूनिट अलॉटेड है जो एआरओ साहब ने दिया है वो चेक कर लेंगे कि वही यूनिट उनकी आईडी से 10 डिजिट की आईडी है सबकी, 10 करेक्टर का, सीयू का भी पहले शुरू के 5 अल्फाबेट करेक्टर है और उसके बाद के न्यूमेरिक है, इसी तरह बीयू भी 10 करेक्टर का आईडी है उसका और ऐसे ही वीवीपैट का भी 10 करेक्टर का आईडी होता है, तो वो चाहिए।
ये अनिवार्यता मतदाता के काम में आने वाली चीज है। वहां पर टेंडर वोटिंग के स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए टेंडर बैलेट पेपर आपके बैग में 20 की संख्या में कम से कम एआरओ महोदय उपलब्ध कराए होंगे, तो वो अनिवार्यता होना चाहिए। तो इतनी सारी सामग्री जो वहां पर मूलभूत मतदाता के लिए जरूरी है होनी ही चाहिए। कंट्रोल यूनिट है, ये सारा देखिए अपनी वोटिंग का प्रोसेस कर रहा है। इस कंट्रोल यूनिट में ढेर सारी खूबियां हैं, जिसके अंदर इसके साथ जितनी भी यूनिट लगे हैं खुद का भी डायग्नोसिस करता है, ईवीएम इज रेडी, तब समझिए आपकी ईवीएम आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। कुछ ऐसे आपको पीठासीन अधिकारियों को भी समझाना होगा, एक होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ये क्या है, जैसे मैं ही मान लीजिए मतदाता हूं किसी विधानसभा में और उसी विधानसभा में मेरी ड्यूटी है। अभी हमारा ये इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जो हमारे मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, 138 मास्टर ट्रेनर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज 48 को बुलाया गया, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। क्या क्या जानकारी? जैसे कि चुनाव में ईवीएम से चुनाव होता है, ईवीएम के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, प्रक्रिया होते हैं, उसके बारे में भी सामान्य जानकारी ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी चुनाव के दृष्टिगत सभी मतदाता कर्मियों को अच्छे गुणवत्ता का प्रशिक्षण और उनकी दक्षता वृद्धि करने के लिए कवायद शुरू की गई है। आज उसके संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग एनएक्सी भवन में किया जा रहा है, जिसमें चुनाव के संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में, बारीकियों के बारे में विस्तार में दिया जा रहा है। बहुत अच्छी सामग्री उनको वितरण भी किया जा रहा है। इनके माध्यम से जुबली इंटर कॉलेज में सभी मतदान कार्मिकों को सुरक्षित वातावरण में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनको ईवीएम मशीन के संचालन में, मतदान प्रक्रिया का संचालन में कोई दिक्कत ना हो और इस एक शुचितापूर्ण वातावरण में हम चुनाव के सारे को संपन्न करा सकें।